हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमारा चैप्टर 2 है इंग्लिश ग्रामर की बुक में से, उसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और जो भी मटेरियल हमने लिया है असेंशियल बुक में से लिया है, असेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम पढ़ने क्या वाले। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बेस में कि सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या। तो सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस को, कहते हैं एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, में दो पार्ट्स होते हैं एंड वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, सेंटेंस की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कहते हैं, द पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन, इस सीन पे क्या हो गया, पुलिसमैन अचानक से आ गया। तो ये किसके बारे में बता रहा है, पुलिसमैन के बारे में। तो जिसके बारे में बता रहा है सेंटेंस, जिसके बारे में है, द सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस बता रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में, अ पुलिसमैन, सो अ पुलिसमैन इज अ सब्जेक्ट हियर। सो पुलिसमैन इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द सेकेंड पार्ट इज अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, अपीयर ऑन द सीन। सेकेंड पार्ट सेज समथिंग अबाउट द पुलिसमैन, फर्स्ट पार्ट इज सेइंग अबाउट द पुलिसमैन एंड द सेकेंड पार्ट इज सेइंग समथिंग अबाउट द पुलिसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पुलिसमैन है, जिसके बारे में कुछ बताया गया है, दैट इज सब्जेक्ट, और जो बताया गया है दैट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो भी रेस्ट रहता है, जो भी बचता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं, कहता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सेंटेंस सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जिसके बारे में जो भी बताया गया, तो जिसके बारे में बताया गया दैट इज सब्जेक्ट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ओफन से हु और वट परफॉर्म द एक्शन दैट द वर्ब रेफर्स टू, मतलब जैसे इसमें बोला द पुलिसमैन अपीयर ऑन द सीन, इट मीन्स उस सीन पे कौन आया, पुलिसमैन। तो हु वॉज अपियरिंग, हु अपियर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पुलिसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी बचता है दैट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं इसका बी, इन स्टेटमेंट द सब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट से पहले यूजली जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज सेंटेंसेज, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप खुद से बताओ सब्जेक्ट कौन होगा, किसके बारे में सेंटेंस है, स्टोरी के बारे में। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये जो इज एम आर वॉज वर्ब या फिर कोई भी वर्ब से पहले ये जो लिखा हुआ है दिस इज सब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा पर मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, दिस स्टोरी, और ये जो रेस्ट रह गया ये सारा सब्जेक्ट के अलावा, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कहते हैं एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग इज प्रेडिकेट, बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, बढ़ावा देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, दिस ऑर्डर मे बी रिवर्स्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रंजीत स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, दिस इज सिंपल सेंटेंस, स्टूड से पहले क्या है, रंजीत, वर्ब से पहले क्या है, रंजीत, रंजीत इज सब्जेक्ट, और इसके बाद का जो भी है सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट इज रंजीत एंड द प्रेडिकेट इज स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेंटेंस को, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड रंजीत, कॉर्नर ऑफ द रूम में कौन खड़ा है, रंजीत खड़ा है। तो ऑर्डर चेंज किया है एम्फिसाइज करने के लिए, जैसे कॉर्नर में कौन खड़ा है, स्पेसिफिक बताया रंजीत खड़ा है, तो स्पेसिफिक करने के लिए, एम्फिसाइज करने के लिए सेंटेंस को हमने रीअरेंज किया। तो इसमें जो सब्जेक्ट है अभी भी किसके बारे में बात हो रही है, रंजीत के बारे में, सो रंजीत इज सब्जेक्ट, और जो बाकी जो भी बच गया ये सारा का सारा इन द कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। आई होप आपको क्लियर हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो डूअर होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है दैट इज प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आई एम श्योर आपने फर्स्ट वीडियो में समझ लिया होगा इम्पैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इम्पैरेटिव सेंटेंस फटाफट बताओ, मैंने आपसे बताया भी था कि मैं आपसे पूछूंगी सेकेंड चैप्टर में, वेरी गुड। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है यू,
इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सी होती हैं? जो वर्ब से स्टार्ट होती हैं और फुल स्टॉप पे एंड होती हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू, ऑलवेज, हमेशा, बट द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड, इट इज इम्प्लाइड। मतलब कहते हमेशा बताया नहीं जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। जैसे टेक दीज टू सेंटेंसेस, वेट आउटसाइड, वर्ब से स्टार्ट हुआ, वेट आउटसाइड, बाहर वेट करो। टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, ठीक है, तो मेडिसिन को हर 4 आवर्स में ले लेना। इन सेंटेंसेज में किसको, वॉक आउटसाइड किसको बोल रहा है, यू शुड वॉक, वेट आउटसाइड, है ना, तो वेट आउटसाइड में किसको बोल रहा है, आपको ही बोल रहा है अगर आपको, आपसे बात हो रही है तो। टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, जिसको बोल रहा है, अगर मान लो आपको बोल रहा है तो यहाँ पे यू जो होगा वही तो सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे, जिसको जिसको बोला जा रहा है वही तो बाहर खड़ा होगा, तो यू, तो यहाँ पे यू मस्ट वेट आउटसाइड, यू शुड टेक द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन हुआ, यू, सो द सब्जेक्ट इज यू। नेक्स्ट, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, ऑलवेज यू, बट इट इज इम्प्लाइड, नॉट स्टेटेड, ठीक है, बताया नहीं जाता, पता होता है। इन क्वेश्चन एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में कैसे करेंगे, द वर्ड इज स्लाइटली चेंज किया जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट प्लेस में नहीं होता है, तो उनको कैसे करेंगे, देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इट इज़ वेरी, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू राइट दीज सेंटेंसेज एज स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हैव यू बॉट द बुक, अब इसमें हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, पर हैव तो वर्ब होती है, हैव तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसके इमीडिएट बाद देखो, जो दे लगा हुआ हैव दे बोथ द बुक्स, तो ये जो दे है ना, दे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, एसर्टिव में, स्टेटमेंट वाले में, तो सिंपल आपको समझ आ जाएगा। हैव दे बोथ द बुक को क्या बोल सकते हो, दे हैव बोथ द बुक्स फुल स्टॉप, तो यहाँ पे दे आ गया स्टार्टिंग में, ये हमारा सब्जेक्ट है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्ड, वर्ब सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वी मे राइट दिस सेंटेंसेस, किस तरह से लिख सकते हैं, दे हैव बॉट द बुक्स स्टेटमेंट फॉर्म में, नाउ वी कैन ईजिली सी सब्जेक्ट इज दे। नेक्स्ट, हाउ नाइस आर यू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ नाइस आर यू, तो इसमें क्या हो गया, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ नाइस आर यू, कहते हैं वी मे राइट दिस सेंटेंस एज यू आर, हाउ, कैसे हो आप, ठीक है, तो नाइस, तो यहाँ पे जो यू है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर, ठीक है, द सब्जेक्ट इज यू। सिमिलरली, व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, किसने दिया, आंसर देने वाला कौन था, डूअर कौन था, सब्जेक्ट किसके बारे में सेंटेंस बता रहा है, शी के बारे में, तो शी गेव व्हाट अ स्टूपिड आंसर, तो शी कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट। टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस राइट द सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लस आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना भी सीख जाओगे। डे बाय डे जब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट इसमें क्यों होगा, पर उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। अब देखते हैं, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो सेंटेंस में अंडरलाइन करना है हमें सब्जेक्ट्स को। द अर्थ लैंड वॉज वंस मेड अप ऑफ सिंगल ह्यूज कंटिनेंट, जो अर्थ की लैंड थी सिंगल कंटिनेंट थी, अब तो बड़े सारे कंटिनेंट्स हो गए ना, किसके बारे में बात हो रही है, अर्थ लैंड, तो अर्थ लैंड क्या है हमारा, सब्जेक्ट। वन बिग डीप ओशन कवर द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, किसके बारे में बात हो रही है, वन बिग डीप ओशन के बारे में बात हो रही है, तो ओशन के वन बिग डीप ओशन इज आर सब्जेक्ट। हाउ आर सो मेनी ओशन एंड सीज फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, ओशन एंड सी के बारे में, तो ओशन एंड सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट। टेल मी द स्टोरी ऑफ देयर क्रिएशन, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आया, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, वर्ब से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे एंड होता है, दोनों देखने पड़ते हैं। अब इसके अलावा सब्जेक्ट कौन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, यू। द ओरिजिनल लैंड मास स्प्लिट इटसेल्फ इनटू इट्स लार्ज पीसेस, तो सब्जेक्ट कौन है, द ओरिजिनल लैंड मास, जिसके बारे में बात हो रही है। दीज पीसेस ग्रेजुअली मूव्ड फर्दर अपार्ट, किसके बारे में बात हो रही है, दीज पीसेस के बारे में, तो दीज पीसेस विल बी आर सब्जेक्ट। देयर मूवमेंट क्रिएटेड द ओशन एंड कॉन्टिनेंट, किसके बारे में बात हो रही है, देयर मूवमेंट की, उनकी मूवमेंट की, तो ये जो देयर मूवमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। On a small table near my bed is lying an encyclopedia. तो हमारा किसके बारे में बात हो रही है, small table जो कि मेरे bed के पास पड़ा है, तो on a small table near my bed के बारे में बात हो रही है, this is our subject. On page
163 ऑफ दिस बुक गिव्स ऑल द डिटेल्स. किसके बारे में बात हो रही है? पेज 163 ऑफ दिस बुक. ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हैव टोल्ड मी. किसने बताया है? यू हैव टोल्ड मी. तो ये क्या है? सब्जेक्ट है. आप इसे लिख सकते थे यू हैव टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 होता है कंप्लीट. थैंक यू. वॉच मोर वीडियोज फॉर मोर लर्निंग. गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. हाँ, लास्ट में आपको बताऊंगी, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए, शेयर, कमेंट. ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.